झोपड़ी वगैरह बना लिया कच्चे मकान हो रहे बड़े ठंडे हो गया करते ठंडे हो रहे भाई। और वो रिवाज आजकल खत्म हो गई, लेंटर का जमाना आ गया जिसने देखो लेंटर डलवाता मिले है। लेकिन किसान आंदोलन में ये झोपड़ी और ये इस तरह के मकान देखने मिले कुछ जो आजकल के हमारे जैसे बालक से उन्हें बहुत कम चीज देखने मिली, तो उनके लिए कि एक प्रदर्शनी की तरह भी हो सकता है ये। बिल्कुल भाई, आजकल दुनिया ये उनमें बना हुआ हर उनके टिकट लग गए हैं, टिकट लग गए ये चीज भी नहीं होगी शुरू, नहीं होगी शुरू, वो भी फ्री में देखने है, फ्री में देखने है। और किसान है क्या खास रहने के लिए हो गया, खास कर किसान है दौरा पास के ही है, शहर हम तो पाऊँ को नहीं, गाँव जात में पाऊंगी, गाँव जात में पाऊंगी। पहले कच्चे मकान हो अगर दे सबके बिल्कुल लिपा पोती ठंडे रहा अगर दे ये ठंड के मारे और के करा अड़क ऐसी लाग रहे हैं और दो ठंड के मारे बढ़िया ठंड दे गए या ऐसी भी फालतू काम करेगी भाई। और ये ताऊ बैठे हैं तभी बातचीत कर लें, एक बार बड़ी उम्र के हैं, एक बार भाई साहब थोड़ा सा जगह दो, एक बार ताऊ तो बात कर लें दो बैठ के। राम राम ताऊ। राम राम भाई। कितने की उम्र होगी ताऊ आपकी? 83 साल। 83 साल होगी। इस आंदोलन में आ रहे हो आप भी, टिकरी बॉर्डर पे आ रहे हो, ये मकान जो बनाए हैं आड़े जो अपना मकान बनाया है गर्मी के लिए, गर्मी के लिए इसी के बारे में दो बात पूछना चाहूँ मैं भी, क्योंकि आपने तो देखे होंगे कच्चे मकान है, रह भी रहे हो गए आप तो कच्चा में हो रहे हैं, पैदा कच्चा में हो रहे हैं बात अच्छी है। इसमें जो ठंड होया करती पहले वाली पापोती कराया करती मारी बमान दादी या माँ जो भी कराया करती, वो बड़ा ठंडा रहा करता पंखा की जरूरत नहीं पड़ी। 18-12 में तो अच्छी चाल गई थी, सब कुछ चल गया, मारा बारह में तो कमे भी नहीं था अपने इन कच्चे घर हम अपना रात काटे रात काटे करते। ये इस आंदोलन में देखने मिली है झोपड़ी वगैरह आ रही है मकान वगैरह, हम पुराने रह रहे हैं ज्यादा अपने बना दिया ना, तो के बेरा पटा आजकल वाले कोई बेरा नहीं पटे। हाँ यह भी बात सही है के कुछ लग गए इतने दिन किसान आड़े बैठे हैं, सरकार भी देखो हम तो नहीं चाहूँ तड़के फैसला हो जाए।